डियर स्टूडेंट्स आई हैव टू टॉक अबाउट द रोल ऑफ नर्चर इन द लैंगवेज डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड लेकिन इससे पहले मुझे थोड़ा सा आपको कंपेरिजन देना होगा कि नेचर का रोल क्या है नेचर जो है नेचर वाले आर्गूमेंट्स देते हैं कि एबिलिटी अंडरस्टैंड लैंग्वेज इज इन एट इनबॉर्न और रिगार्डलेस ऑफ इन्वायरमेंट यानी इन्वायरमेंट के ताल्लुक़ के बगैर जो बच्चों में अंडरस्टैंडिंग है वो लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग की जो कैपेसिटी है वो इनबॉर्न है अब इसके बारकस नर्चर वाले ये आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि वेर आज नर्चर आर्ग्यूमेंट सजेस्ट दैंगवेज इज एबिलिटी टू डिटर्मिन

अब वेज टू नर्चर योर चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट अब पेरेंट्स अपने बच्चों की लैंग्वेज को कैसे नर्चर कर सकते हैं नर्चर का लफ्स मतलब है परवरिश करना यानी फ़रोग देना परवरिश करना उसको ग्रो करना सो so सबसे पहले ये स्ट्रेटजीज़ हैं कि पेरेंट्स सबसे पहले अपने बच्चे को रीड करें रूटीन के साथ उसकी उसको उसकी स्टडी करें उसकी लैंग्वेज पे उसकी वर्ड्स पे, उसकी साउंड्स पे वो लिसन करें और फिर उसको पे नज़र रखें और जो पेरेंट्स हैं जो फादर या मदर वो डेली अपने बच्चों को बेड टाइम स्टोरीज सुनाएं उनको अच्छी 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 स्टोरीज़ सुनाएं और वो बच्चों में एक इस तरह आ, सुनने का कॉन्सेप्ट लैंग्वेज जो है लर्निंग का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ सुनने से है और ये पहला इसका कम्बो ऑब्जेक्टिव है लैंग्वेज लर्निंग का कि जिसमें सबसे पहले बच्चे या या किसी को भी लैंग्वेज आपने लर्न करानी है तो वो सुने उसको फिर शेयर स्टोरीज विद योर चिल्ड्रन अपने बच्चों के साथ स्टोरीज स्टोरी बुक्स शेयर करें उनको पढ़ और फिर ये है कि डे स्टोरीज अपना दिन कैसे गुजरा इसको नरेट करें उनके साथ हाउ यू हैव स्पेंट योर डे तो ये आप उनके साथ आप शेयर करें और फिर अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस uh, करवाएं डिफरेंट वर्ड्स अच्छे वर्ड्स वो उनको इंट्रोड्यूस करवाएं अच्छी स्टोरी बुक्स के साथ अच्छी स्टोरी बुक्स में से ही आप उनको अच्छे वर्ड्स या बेटर वर्ड्स उनको पॉइंट uh, आउट uh, करें उनको सिना, सिखाएं और फिर उनका जो प्रोनंसिएशन है केयरफुली करेक्ट फिर उनको सुने और उनका जो प्रोनंसिएशन है वो केयरफुली करेक्ट करें नर्चर रेफरस टू ऑल द एक्सटर्नल इन्वामेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ह्यूमन लैंग्वेज ह्यूमन डिवेलपमेंट और लैंगवेज भी उसमें शामिल है तो सोशलाइजेशन और देखते हैं एक्सप्रेसिव और एसरटि और यह एक्सप्रेसिव और रेफरेंशल लैंग्वेज में भी आप ये देखें कि किस तरह मतलब बच्चे जो हैं वो लैंग्वेज अपने इन्वामेंट के साथ अपने उनके साथ अपने पीयर्स के साथ या एडल्ट्स के साथ वो बातचीत करके वो सीखते हैं तो इसी तरह उनकी लैंग्वेज जो नर्चर हो सकती है अगर हम उनको और फिर इसके साथ साथ उनको अच्छी स्टोरी बुक्स खुद बच्चों को दी जाएं जिनको मतलब है बच्चे पढ़ें और उनसे बच्चों को के साथ पेरेंट्स बात करें उनसे उन स्टोरीज़ के बारे में उनसे पूछें कि इनसे क्या आप नतज अखस करते हैं या क्या आपको अखलाकी इसमें मॉरल लेसन मिलता है तो इस तरह ये नहीं है इस तरह उनमें क्या है लैंग्वेज लर्न करने का और स्टोरी बुक्स रीड करने का ख़ुद भी उनमें एक आ, एक सेंस पैदा होगी और एक उनकी रूटीन बनेगी तो इस तरह हम लैंग्वेज डेवलप कर सकते हैं बच्चों में नर्चरिंग कर सकते हैं उनकी लैंग्वेज की